What is up crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. तो आज का वीडियो बेसिकली होने जाने वाला है मेरे स्कार्स के ऊपर, विच आर ऑन माई हैंड एंड ऑन माई बॉडी. बहुत लोग मुझे DM करते हैं कि ये सब क्यों है, ये सारे स्कार्स क्या है, कैसे है. तो आज मैं रिवील करने वाला हूँ ये किस चीज़ के बारे में है. तो ये कोई रेस्क्यू वीडियो नहीं होने वाली है, एक थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो होने वाली है. तो आई सजेस्ट यू टू ग्रैब योर पॉपकॉर्न, टेक अ सीट और एंजॉय द वीडियो. ऑल्सो वीडियो पूरी देखना क्योंकि वी आर गोना कीप अ गिव अवे ऑन R300K. तो यस, वीडियो पूरी देखो और लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अज्यूम इट वेरी नाइट. बहुत लोगों को पता है कि मतलब पता चल गया है, लोगों ने अच्छे से अज्यूम कर लिया है कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो किसके वजह से हुए. हाँ जी, दिस इज ऑल ड्यू टू स्नेक बाइट. यस, आई हैव बीन बिटन बाय स्नेक थ्राइस ऑफ माय 18 ईयर ऑफ ओल्ड लाइफ स्पैन. में तीन बार मुझे मेरे 18 साल की उम्र में मुझे तीन बार सांप ने काटा है या मुझे स्नेक बाइट हुआ है. तो मुझे 9th ग्रेड में बाइट हुआ. एक्चुअली मुझे तीन बाइट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर है एक, ये स्कार है और एक मेरे इस पार्ट पे है, लाइक फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म पे. तो चलो थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ. और या तो मेरा सबसे पहला बाइट जो था वो मुझे 9th ग्रेड में हुआ था. दिस इज़ नॉट समथिंग अवार्ड और लाइक रिवॉर्ड काइंड ऑफ स्टफ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लेक्स कर रहा हूँ कि ओ आई हैव बीन बिटन बाय स्नेक ऐसा वगैरह. कोई ऐसी बड़ापे वाली बात नहीं है. दिस इज़ ऑल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बात करने को लोगों के साथ, बट एट द एंड मुझे करना पड़ा है. और तो मुझे जो फर्स्ट बाइट हुआ था वो हो गया था 9th में. इट वॉज इन 9th ग्रेड और वो यहाँ पे था. इट वॉज ऑन माई लेफ्ट थंब. मैं यहाँ पे कहाँ पे, तो उसके पिक्चर्स डाल दूंगा श्योरली. अगर आपको अभी फिलहाल कैमरा में दिखता नहीं होगा तो आई विल पुट सम पिक्चर्स ओवर हियर. तो दिस वॉज ड्यू टू अ कोबरा. मैं उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलूँगा, वो बेचारा कोबरा था. इट वॉज एन एक्सीडेंट. और यस, मुझे 9th ग्रेड में हुआ था. उसके बाद जैसे ही बाइट होता है वैसे उसके बाद अपने को फटाफट जो आँख है उसके ऊपर ब्लाइंडनेस आना शुरू होता है. ऐसा सब डार्क ऑफ हो जाता है, ब्लैक ऑफ हो जाता है. आपको नौशिया आता है, आपको चक्कर आती है, आप डिसबैलेंस होते हो, आपको उल्टी या नौशिया जो मैंने बोला उसकी फीलिंग आती है, और आपकी जो टंग है वो हैवी होना चालू हो जाती है. तो ऐसी सारी चीज़ें हमेशा ही नीरोटॉक्सिक बाइट में या कोबरा वगैरह के बाइट में होती है, विच वॉज़ वेरी ऑब्वियस इन माई केस. मुझे भी ऐसी सारी चीज़ें हुई, बट लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ वर्स्ट. मतलब किसी को भी स्नेक बाइट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्स्ट, इट इज़ नियर टू हेल. तो यस, मूविंग ऑन फर्दर टू माई सेकेंड बाइट, इट वॉज ऑन माई लेफ्ट फोर आर्म. यहाँ पे दिस द सेकेंड बाइट वॉज ऑफ अ रसल्स वाइपर. यस, यू हर्ड इट राइट, इट वॉज अ रसल्स वाइपर. एंड आई वॉज वेरी 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 लकी इनफ एट दिस टाइम कि मुझे कुछ मेजर इंजरीज या ऑगर डैमेज नहीं हुआ. आप मेरे फर्स्ट बाइट में देख सकते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लोकल नेक्रोस हुआ था, तो मुझे यहाँ पे कट करना पड़ा था. मतलब मुझे नहीं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने यहाँ पे कट करके थोड़ी सर्जरी की थी, इसके वजह से मेरा थंब अभी फिलहाल ऐसे दिखता है, लेफ्ट वाला. और जो मेरा सेकंड बाइट था उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, वो विजिबल भी नहीं है ये सारे टाइप में. मतलब इतना दिखता भी नहीं है वो अभी. मैं बहुत ज़्यादा लकी था रसल स्वाइपर बाइट के अंदर, क्योंकि रसल स्वाइपर के लोगों के बाइट अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, पर आई वॉज़ वेरी लकी. और दिस थिंग इज़ ऑल्सो अ स्नेक बाइट. जैसे मैंने पहले बोला, दिस इज़ वन ऑफ माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक. इट वॉज, आई कैन लिटरली से इट वॉज नेक्स्ट टू हेल गाइस. बहुत ज़्यादा बुरा रहता है, बहुत वर्स्ट है. स्नेक बाइट के अंदर आप ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका खानदान सफ़र करता है. तो इट इज़ नो वे अ गुड थिंग और नो वे अ प्राइड वाला थिंग कि यो आई हैव बीन बिटन बाय स्नेक, नथिंग लाइक दैट. दिस वॉज अ बाइट फ्रॉम अ कोबरा. अगेन इट वॉज अ न्यूरोटॉक्सिक बाइट. एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे लोकल नेक्रोस हो गया था, तो डॉक्टर ने यहाँ पे भी सर्जरीज की थी. तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 बुरी थी, बट हाँ मेरे साथ हुई है और कभी ना कभी मुझे बतानी थी, तो टुडे इज़ द डे मैंने आपको बता दिया है. दिस ऑल स्टफ आर ऑफ स्नेक बाइट. तो अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे मेरे फील्ड से कि दिस थिंग्स माइट बी फ्रॉम फ्री हैंडलिंग. तो फ्री हैंडलिंग, जिसको पता नहीं है, मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें फ्री हैंडलिंग की वजह से नहीं हुई है. आई नो यू माइट बी शॉक, पर ये सारी चीज़ें फ्री हैंडलिंग की वजह से नहीं हुई है. तो व्हाट इज़ फ्री हैंडलिंग? तो द वर्ड्स हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स कि फ्री हैंडलिंग मतलब फ्रीली हैंडलिंग रेप्टाइल्स और एनी वाइल्ड एनिमल. सो बेसिकली फ्री हैंडलिंग इन माई ओपिनियन इज़ एन आर्ट, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा. आई विल नेवर एवर रिकमेंड टू फ्री हैंडल एनी काइंड ऑफ एनिमल्स टू एनी न्यू रेस्क्यूअर्स और एनी पर्सन. इवन इफ यू आर अ वेरी वेल एक्सपीरियंस पर्सन, आई विल नेवर रिकमेंड, बिकॉज एट द एंड इट्स एन आर्ट. एक आर्टिस्ट है जो अच्छा ड्रॉ कर सकता है, एक आर्टिस्ट है और जो अच्छा पोर्ट्रेट कर सकता है, या कोई लैंडस्केप बना सकता है.
तो हर एक की अलग अलग आर्ट है, हर एक का अलग अलग बिहेवियर है, हर एक की अलग अलग पढ़ाई है, सोच है। तो बस इट इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा डीप बातें नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत लोग अभी बोलेंगे कि यार फ्री हैंडलिंग इज़ रॉन्ग और राइट, तो मेरी ओपिनियन से फ्री हैंडलिंग तब तक राइट है जब तक द एनिमल इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टेड और इज़ नॉट हार्म्ड, ठीक है। मतलब जब तक एनिमल को कोई हार्म नहीं हो रहा है या एनिमल प्रॉपर रिस्पेक्टफुली वो अंदर जा रहा है या मतलब जो भी अपना काम है रेस्क्यू रिलीज हो रहा है, अगर फ्री हैंडल हो रहा है तो इट इज़ नाइस। पर अगर स्नेक डिसरिस्पेक्ट होना, स्टेक को हार्म हो रहा है या कुछ ऐसी सारी चीज़ें हो रही है तो इट इज़ वेरी मच रॉन्ग। फ्री हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा सांप को लेके उससे पप्पी लो या उसको गले में डाल के घूमो। दिस इज़ नो वे फ्री हैंडलिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यस, फ्री हैंडलिंग इज़ वे न्यू डिफरेंट थिंग, तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पर लेट मी टेल यू अ वेरी फैक्ट, नॉट अ फन फैक्ट, लेट मी टेल यू अ सैड फैक्ट अबाउट इंडिया। सो देर आर ऑलमोस्ट 50,000 पीपल हु डाई ड्यू टू स्नेक बाइट इन इंडिया एवरी ईयर। हाँ जी, आपने सही सुना, 50,000 से ज़्यादा लोग स्नेक बाइट की वजह से इंडिया में मरते हैं दर साल। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च या पढ़ाई करने के बाद ऐसा समझ में आया कि इसके जो मेन दो चीज़ें थी, दो कैटेगरी थी जिसकी वजह से बाइट हो रही है, वो थे एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक सुपरस्टिशंस, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेनमस स्नेक्स है या देर इज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है या प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर दवाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। पर ये जो दो चीज़ें हैं, सुपरस्टिशंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, लाइक स्नेक बाइट विक्टिम्स के अंदर। तो सुपरस्टिशंस के बारे में अगर बात करने जाएंगे तो अगर अपन रूरल एरियाज़ में जाएंगे, अगर हम लोग गांव साइड जाएंगे या वो सब एरियाज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर किसी इंसान को सांप काटता है तो इंसान जो भी लोग हैं वहाँ के या जो भी उसके फैमिली वाले, उसको हॉस्पिटल से पहले लेके जाते हैं बाबा, मांत्रिक, ये सब लोग के पास, विच इज़ टोटली फेक। ओके, मैं हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करता हूँ कि एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली मेडिसिन विच कैन क्योर स्नेक बाइट, ठीक है। कोई भी बाबा मंत्र वगैरह मार के या कुछ झाड़ फूँक करके स्नेक बाइट को हील नहीं कर सकता है, ना कोई होम्योपैथिक दवा, ना कोई आयुर्वेदिक दवा जो स्नेक बाइट है उसको हील कर सकती है, बिल्कुल नहीं है। ASV इज द ओनली मेडिसिन, आपको जाना है हॉस्पिटल डायरेक्टली सांप काटने के बाद, दैट्स द ओनली की यू कैन सर्वाइव आफ्टर अ स्नेक बाइट। सो द सेकेंड पार्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको बहुत सारे एरिया में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ये ब्रो के जैसे, अरे ब्रो देखो पालो में क्या, मैं गांव में कितना सारा सांप पकड़ा है ब्रो, बहुत बड़ा बड़ा सांप पकड़ा है ब्रो, तू बोल भी नहीं सकता ब्रो, आना कौन सा पकड़ा है ब्रो, देखो बताओ ये सांप तो बच्चू है ब्रो, मैं देखो पकड़ के बता देना ब्रो, यू नो नीड टू कॉल समवन ब्रो, आई एम हियर ब्रो, आई विल डू इट, चिल चिल ब्रो। ये जो ब्रो है तो आपको कभी भी इस ब्रो जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है, यू विल एंड अप डाइंग लाइक दैट। तो प्लीज मेक श्योर आप ये इंसान का रोल प्ले नहीं करते हो आपके लाइफ के अंदर। अगर आपको स्नेक हैंडलिंग सीख रही है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, अगर आपको रेस्क्यू करना है या ये सारी चीज़ आपको पसंद है और मेरे साथ जुड़ना है, तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, श्योरली जाओ उसके अंदर, जो एक सिंपल फॉर्म है वो भरो, तो देखेंगे हम लोग आगे बात करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है जब भी मेरे पास आ जाएगा, तो नीचे की लिंक फिल करो। और यस, वी शुड वर्क टुगेदर, अगर आपको लगता है आप प्रॉपरली ट्रेन होके प्रॉपरली ऑथेंटिक वे में काम करोगे, नीचे एक फॉर्म दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करो, भर दो। और यस, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाएगा तो क्या करना है, समझो आपके एरिया में किसी को सांप काट दे रहे हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अब हमें चूसना चाहिए, जो वुंड है उसको चूसना चाहिए या उसे कट करना चाहिए ब्लेड से, या बहुत कस के नॉट या टाइंग या टॉर्निकेट बांधनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अभी करना क्या है, ठीक है, अभी रूप सांप काट लिया है तो हमने कुछ बताया नहीं, करना क्या है अभी बता रहा हूँ ब्रो, तुम्हारा ब्रो यहाँ पे साथ में, तुम्हारा ब्रो तुम्हारे सामने पड़ा, तुमको बिल्कुल मरने नहीं देगा स्नेक बाइट से। सबसे पहली बात, अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो अगर स्नेक बाइट यूजुअली अगर हैंड में हुआ, किसी के हाथ को सांप काटा, तो आप देखोगे तो एल्बो के नीचे काटता है, मतलब एल्बो के नीचे आपको स्नेक बाइट यूजुअली होता है, क्योंकि अब कुछ भी अपन पिक करने जाते हैं या कुछ बॉल फंस गया या उसको निकालने गए, स्नेक होगा तो वो बाइट कर देता है। तो इस टाइम पे क्या करना है, आपका जो हाथ है उसको अपलिफ्ट नहीं करना है, उसे अपने शोल्डर लेवल या हार्ट का जो लेवल है ये लेवल के नीचे रखना है, ठीक है। सबसे पहले वो जो वुंड है जहाँ पे सांप काटा है उसको अच्छे से धोना है, ठीक है। तो धोते समय ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट या आधा घंटा धोने में ही लगा दिया फिर हॉस्पिटल गया, ऐसा नहीं, उसको फटाफट धोना है, क्लीन करना है और जल्द से जल्द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। हमेशा बताया वो पहले भी, अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि ASV इज़ द ओनली मेडिसिन, एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली मेडिसिन विच वर्क्स ऑन स्नेक बाइट, ठीक है। फटाफट हॉस्पिटल भागना है और कुछ नहीं करना है। अगर किसी को सांप काटा है तो उससे
थोड़े बहुत बात करती रहनी है, उसको सोने नहीं देना है, ठीक है। इंसान को चलाना नहीं है, उसको बाइक पर बिठा के, कार में बिठा के, एम्बुलेंस में बिठा के उसको बिठा के लेके जाना है, उसको सोने नहीं देना है पर, ठीक है। अगर इंसान सोएगा तो उसको कोमा वगैरह में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इंसान से बात करते रहना है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उससे बात करते रहना है कि भाई क्या कैसे हुआ, ठीक है, चलेगा, दो मिनट में हॉस्पिटल जाएंगे। सेकेंडली उसको पॉजिटिव सजेशन देना है, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। पॉजिटिव सजेशन के अंदर क्या देना है कि उसको बोलना है कि भाई तू ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी ऑल फाइन, फटाफट हॉस्पिटल पहुँचेंगे, ऐसे सारी चीज़ें उसको बता के रहनी है। ऐसा नहीं बोलना है कि भाई देखो क्या हो गया, देखो किसने बोला सांप काटने को, अभी मर जाएगा, ये होगा, तेरा क्या होगा, तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। ब्रो वो ऑलरेडी स्ट्रेस रहेगा, उसको आप और स्ट्रेस दोगे तो जल्दी से ऊपर जाएगा। अगर आप इंडिया से और आपको स्नेक बाइट हो जाता है, या आपके कोई रिलेटिव या एरिया में किसी को स्नेक बाइट हो जाती है और उसको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल रही है, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप उसके ऊपर कॉल करो। हमारे एक्टिविस्ट हर जगह पे है, वो आपको शॉर्टली रीच करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको प्रॉपर आपका मेडिकेशन वगैरह के लिए भी हेल्प हो सकती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है और इंसान की जान श्योरली बच सकती है, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग गिव अवे के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला था कि हम लोग गिव अवे रखने वाले हैं। तो भाई साहब, तो गिव अवे एक ऐसा गिव अवे होने वाला है जो इंडिया में आज तक किसी ने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि मोगली एक ऐसा ही बंदा है जो, मतलब हम लोग अलग ही करते हैं ना, हम लोग अलग करने के लिए बने हैं, हम लोग काम ही अलग करते हैं, चीज़ें ही अलग करते हैं, कंटेंट ही अलग डालते हैं, सब चीज़ें अलग करते हैं, तो गिव अवे भी अलग करेंगे। तो 300K जैसा हिट हो जाएगा, वैसा गिव अवे का जो फर्स्ट वीडियो रहेगा आफ्टर 300K विल बी द गिव अवे वीडियो, ठीक है। उसके ऊपर का सारा क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स YouTube के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, और Instagram के ऊपर एक पोस्ट डालूंगा, उसके ऊपर मिलेगी। तो Instagram का लिंक नीचे दिया गया है, फटाफट जाओ, जल्दी जाओ Instagram पे फॉलो करो। अगर आपको रेगुलर रेस्क्यूज़ और अपडेट्स चाहिए मेरे पेट्स के बारे में, या मैं क्या करता हूँ दिन भर, या एनिमल्स के साथ कैसे रहता हूँ, और ये सारे जो टिप्स हैं, ये अगर आपको रेगुलर बेस पे चाहिए, यार आपको मुझे DM में या फिर बातें करनी है, तो फटाफट आओ Instagram के ऊपर DM करो मुझे, मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और यस मजाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट।